तक अपनी कोई ट्रेड नहीं है, संभावना अभी देखो 50 का ये एरिया है इम्पोर्टेंट, जो पूरी गिरावट हमने देखी है और ये लगभग यहाँ डबल बॉटम और ये एक अच्छा सपोर्ट भी रहा है, देख रहे हैं तो पीछे से भी इसकी इम्पोर्टेंस आ रही है, कहीं ना कहीं ये डिवाइडर है, ये एरिया डिवाइडर है और इसके आसपास का माहौल देख रहे हैं तो ये 50 फिबो आ रहा है और मार्केट काफ़ी गिर भी चुका है और अभी भी स्ट्रेच मार्केट है। तो अगर हमें कोई मूवमेंट मिल सकता है ऊपर का तो बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए वैसा माहौल बनता हुआ दिखाई देगा तो देखेंगे, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। ग्रीड दे रहा, अभी भी सुफिशियंट और ग्रीड आनी चाहिए, थोड़ी सी और ग्रीड आनी चाहिए। तो अपने को कौन सा और एरिया नीचे देखने को मिल सकता है, करो कॉल खोल के रखो, ठीक है, कॉल साइड की एंट्री रखो जो भी आपको, ये तो बहुत नीचे चला गया, आप अपने हिसाब से चूज कर लो क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। कॉल साइड अभी ले की सर यहाँ पे कितनी रेंज तक की कॉल लें, क्योंकि बाजार आपके अपसाइड ज्यादा चांसेस है, तो लंबी रेंज की लेनी है कॉल। वो आपकी रिस्क के आधार पे, आप अपना रिस्क देखो, ठीक है, फिर भी सर मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना आप ये देख एक लो सौ एवरेज। रुपए के आसपास कौन सी मिलेगी। अभी मैं स्ट्राइक देखूँ तो 35,500 35,600 देख लेता हूँ, 35,600 की कॉल कितने की मिलेगी, 35,693 रुपये 97 रुपये पे मिलेगी। 35,600 नहीं ले रहे हो तो 35,700 ले लो, 35,700 की कॉल अपने को मिल रही है 65 रुपये की, ठीक है। अभी आप ले लो या सर नहीं, वेट करो, अभी वेट करो, अगर नहीं लिए तो वेट करो, हम यहाँ नहीं लेंगे, वेट करो, अभी नहीं लेना, यानी कि लोग जंप लगा रहे हैं ये एरिया के आसपास। रुको रुको रुको, प्रेशर को टूटने दो, यहाँ के आसपास अगर, एक सेकंड रुको, आपको एसएल नहीं मिलेगा, अभी एसएल नहीं मिलेगा, अभी मत लेना, एसएल नहीं मिलेगा, ये प्रेशर को टूटने दो, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, नहीं 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 लेना, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, बेशक यहाँ से जा सकता है लेकिन लेना नहीं, लेना नहीं है, क्योंकि अपने को एसएल जो एक दो पॉइंट का चाहिए ना वो इस प्रेशर में नहीं मिलेगा, इस प्रेशर में नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जैक्ट लेवल नहीं है, ये लेवल हम देख रहे थे, इसके बाद प्रेशर देखो कितना तेजी से आया है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसएल बड़ा है। ले ले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तोड़ देगा क्या नीचे बॉटम, तो मार्केट चेंजिंग ही नीचे की तरफ है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ले सकते हो, ले सकते हो, एक पॉइंट दो पॉइंट का ऐसा रखो, ले लो, लिया है किसी ने हाँ मैंने लिया था 40 रुपये का, देखो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ये 40 रुपये 28 पैसा ये जो भी है यहाँ का एसएल रख दो, आपको ट्रेड दोबारा भी मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल कुछ नहीं रहा यहाँ, 6 पॉइंट मिल रहे हैं। पेयर ट्रेडिंग करनी है, आप एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दो, एसएल नहीं चाहिए बिल्कुल भी, 1 रुपया भी, जो भी एसएल है कोस्ट टू कोस्ट करो, जिसने जो भी स्ट्राइक ली है, क्योंकि मैं स्ट्राइक के हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी स्ट्राइक कौन सी है, आपको काटना नहीं है अभी। 35,500 सर मैंने लिए हैं 100 रुपए के लिए, चलो ठीक है, अभी ये मैंने शायद 35,500 लिया है सर, मैं तो आईटी हूँ ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अरे यार शिट सर, इसको पूरी काटनी है, छोड़ दे अभी कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी क्या हो गया तरंग जी? अरे सर वो एसएल लगा रहे थे गलती से, दूसरी भी कट गई, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे। हेलो, अब आपको पता कब खुशी होगी, तब आपको दिल हल्का होगा जब ये मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए। हेलो, हाँ बताइए बताइए, ये छोटा मोटा रिप्लेसमेंट लेगा, डरना नहीं उससे। हाँ और ट्रेड, एक ट्रेड निकल दी सर, अभी रहने देना है क्या कॉस्ट टू कॉस्ट? एक ट्रेड आपकी दो है, लिया एक एक ट्रेड आपको नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना, एसएल नहीं लेना, अभी बिल्कुल भी उस पे कुछ भी नहीं करना,
भूल जाओ उसको, आपने ये ट्रेड, आपने ये ट्रेड बॉटम पे पकड़ी है, एमटीएफ के बॉटम पे पकड़ी है, चाहे मार्केट इसे 1000 पॉइंट नीचे जाए, आपको यहाँ से लेना तो अच्छा लेना, कम से कम आप इसका 50 तो लेके चलो, बड़ी टाइम फ्रेम का एनालाइज भी देख लो ना, और आज ये गामा प्ले है, अगर ऊपर का मोमेंटम अच्छा मिल गया तो फिर आप पछताओगे नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप अगर फोकस ट्रेड की बजाय थोड़ा सीखने पे दोगे ना, तो आप ये चीज सीख पाते कि मैंने यहाँ से रोकता 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 यहाँ क्यों दिलवाई। तो मेरा कहने का मतलब हल्का बनो, थोड़ा ये चीज समझने की कोशिश करो, यहाँ दिलवाने का मकसद क्यों था, और वो चीजें फीलिंग मतलब थोड़ा अनुभव की चीज है वो, तो धीरे धीरे आएगी। 100 पॉइंट हो गए, ये देखो 40 रुपए की चीज गामा प्ले की वजह से 140 पे जा चुकी है, आप समझ रहे हो। और आपका स्ट्राइक क्या था जेकब सर? 35700। इतना बोलने में थोड़ा एनर्जी लाओ, अब तो ड्रिंक मिला है। कहाँ पे लिया था आपने 35700? ये रहा, एक मिनट, 35700 तो यही है? हाँ सेम है सर, सेम ही लिया ना। किसी ने कोई दूसरी स्ट्राइक भी ली है क्या? आपने कहाँ पकड़ी है जेकब सर? मेरा 47 में, 47। ये फिर से आपने लेट एंट्री करी, मैं 41 पकड़वा रहा हूँ आपको, आप 43 मतलब 2 पॉइंट ऊपर पकड़ी है। तो ये देखो आपका 2 पॉइंट का एसएल के एवज में आप यहाँ लेके जा रहे हो 90 पॉइंट, और आपने एक ट्रेड निकाली कहाँ है, दो ट्रेड ली होंगी आपने, दो नहीं 4-5 ली होंगी शायद, आपकी साइज मेरे हिसाब से 400-500 साइज भी होगी। विकास सर कैन यू हियर मी? हाँ जरूर, आप बताइए सर। सर आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड बिकॉज आई टोल्ड यू नो दैट बैलेंस इज वेरी लेस, कैन यू जस्ट गिव सम गाइडेंस फॉर मी? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बात यहाँ ट्रेड की नहीं है, आप आज पहली बार हो शायद मेरे हिसाब से, यहाँ 2-3 बार लोग प्ले कर चुके हैं, और ये यही शायद पहली बार थे, वो सर थे ही साबिर सर थे, उन्होंने 40 से 130 को हमने पहले भी देखा है, और आज वापस से वही चीज रिपीट हुई है, 40 से 120, 130, 140 तक फिर से दिखाया है। यहाँ पे मैं किसी को नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पहला ट्रिगर है, पहला ट्रिगर कभी नहीं चलता, मतलब प्रॉपर नहीं चलता, पहले ट्रिगर के बाद का कोई ट्रिगर बनेगा तो वो ट्रिगर हम देखेंगे। बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हो। ये पूछ रहा हूँ सर, शब्बीर बोल रहा हूँ, मैं तो प्रेयर के लिए गया था सर, तो अभी तो आया हूँ, तो जो मेरा 2 लॉट था वो तो हिट हो गया एसएल, दोनों का एक ही जगह रख रखा था आपने, कुछ भी बुक नहीं किया? हाँ इस जगह रखा था मैंने। तो आपने कुछ भी बुक नहीं किया ऊपर? हाँ मैंने बुक किया था ना पहले, मैंने तो 4 लॉट लिया था ना, तो दो तो बुक करके गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ट्रिगर फिर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने 2 पॉइंट तो पहले बुक कर लिया ना, ये सही है। हाँ उस पे मैंने, वहाँ पे मैंने 2 लॉट बुक करके मैं बाकी को मैं रख के गया था, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रे करके आए हो ना अभी आप, अब आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। सबके लिए प्रे करिए, आप अपने अपने लिए प्रे करके आओ, सबके लिए सर, ग्रुप के लिए। बढ़िया, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, ये ब्रेकआउट की जगह कोई कुछ नहीं करेगा, स्पीड दिखानी जरूरी है। किसने ट्रेड ली है? ठीक है, ये ठीक है। अभी आपको एसएल क्या मिल रहा है? 1 पॉइंट 2 पॉइंट का एसएल है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, आप उठा सकते हो यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट के एसएल पे? सर मैंने उठा लिए, एसएल वही रखना 1 पॉइंट का ही, कोई दिक्कत नहीं। एसएल अपना अभी कोस्ट टू कोस्ट कर दो घुमा के, कोई दिक्कत नहीं, घुमा के कोस्ट टू कोस्ट कर दो, और अब की बार आएगा ये तो आप अपने को और अच्छा एंगल देगा। 100 पे लिया हूँ, 35500 का कॉल, जो भी है जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
एक्सेल बहुत ही एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट रखा हुआ हूं एक्सेल को। हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, क्योंकि अब की बार जाएगा ना थोड़ा एंगल और नीचे कर देगा ये आपको, कम से कम 4-5 पॉइंट नीचे दे देगा। और 31 रुपए का एसएल हिट हो गया तो अपने को 25 तक भी मिल जाएगी फिर ये। एक बार इसने स्पीड पकड़ी तो स्पीड नहीं टूटनी चाहिए ब्रेकआउट के आसपास, ब्रेकआउट के आसपास चार लॉट लीजिए है। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, कोस्ट टू कोस्ट करो और चलने दो। आपका एसएल खत्म है ना, मेरे को एसएल खत्म करवाना। और जिसका एसएल हिट हो गया वो कोई बात नहीं, देखो धीरे धीरे आप ये चीजें सीख लो फिर आप और एक्यूरेट होना शुरू कर दोगे। और अब कभी भी एसएल का एरिया मत बढ़ाना, ठीक है। चलो कोई नहीं, अपने ये ट्रेड भी चल रही है, जो ले पाया है बेटर। एक लॉट तो मैंने निकाल लिया अभी, एक लॉट कोई नहीं, एक लॉट निकाल लिया ना, ठीक है एक लॉट निकाल दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉट निकाल लो आपका सही रेट ऊपर। लेकिन यार क्या दे रहा है, कुछ दे थोड़ी रहा इतना ज्यादा, 10 गुना रिवार्ड तो हुआ। अरे गलत है, स्टॉप लॉस कर लेना अभी। लेकिन मैं अभी भी रिकमेंड एक लॉट के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी वेट ही करो। या फिर मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा था कि ये वाला एंगल ज्यादा शार्प नहीं था, अगर दोबारा आएगा तो आपको क्या यहाँ प्रीमियम लूज कर जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम। सर मुझे तो 20 पॉइंट मिला है सर यहाँ पे, ये 35,500 में, 35,500 में। अच्छा आपने दूसरा ले रखा है स्ट्राइक, दूसरा ले रखा है। हाँ मैं आईटीएम में रखता हूँ सर। ये स्ट्राइक अपने हिसाब से आप लिया करो, क्योंकि ये स्ट्राइक हल्की होगी। मैं तो उस टाइम से लेके चल रहा हूँ जब 100 रुपए की थी, मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है। तो अपने हिसाब से ले लिया करो, चेंज कर लिया करो। कितने पे उठाया था आपने? मैंने उठाया था सर ये 100 रुपए। लेट क्यों उठाया? लेट उठाया ना आपने थोड़ा, 93 रुपए, 7 रुपए का ऐसा लिख रहा था। चलो मजा आ रहा है, चलो बढ़िया। अभी कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। फिर से हमने बॉटम पकड़ा है, फिर से ये फीबो के आसपास आ रहा है, कुछ नहीं करना। आपके पास कितनी लोट है वैसे? अब आप ट्रेल करना शुरू कर सकते हो। तो मैं 2,000 रुपए एक लॉट में, पहले वाले में तो मेरा हो गया मिला करके सारा मिला के 2,000 रुपए। नहीं सब मिला के तो सर मेरे को 5,000 से ऊपर है। बढ़िया। आज मेरे को ये ताजुब हो रहा है, जेकब सर क्यों नहीं बोल रहे, वो तो बहुत बोलते हैं। अब कोई भी डिस्काउंट आगे मिलेगा ना इसके बाद तो हम देखेंगे, ठीक है। और ग्रीड के साथ अगर डिस्काउंट मिलेगा तो, ये डिस्काउंट नहीं देख रहे क्योंकि इस डिस्काउंट में वो ग्रीड नहीं है, वो चीज नहीं है। हम इस जगह इस एरिया के आसपास वापिस से हम एक डिस्काउंट देखेंगे, लास्ट ट्रेड होगी जैसा भी अपने को मिलेगा। फिर उसके बाद अब 3:30 फिर मैं प्रिडिक्शन वीडियो की तैयारी करूंगा, आधा घंटा तो उसमें भी लगेगा मेरे को। नया सिखा दी सर आज भी, नया सिखाऊंगा चिंता मत करो। जिन शायद थोड़ा सा एसएल पे स्ट्रिक्ट रहना, अभी कुछ नहीं करना यहाँ, कुछ भी तीज तैयार नहीं है ना, सेलिंग मत करना और नहीं बाइंग, नहीं बाइंग मत करना यहाँ। बेशक ये ट्रिप है, क्या हुआ ये एरिया पे लेने का विचार है, नहीं लेना ना यहाँ। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये कंजेस्टेड एरिया है, मतलब एसएल जल्दी जाएंगे, दो बार एसएल जाएगा, तीसरी बार अगर आपको टारगेट देगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। वेट करो इस प्रेशर में नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूँ एक बार वेट करोगे एक बार अभी वेट करोगे। देखो मैं ये नहीं देख रहा है अभी के लिए, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसी को फोकस कर रहा हूँ फिलहाल, थोड़ा सा जूम करके। वेट करोगे सर, लेना तब बोल देना, ले लो।
यहाँ के आसपास देख सकते हो, यहाँ के आसपास देख सकते हो। सर मैंने ले लिया, ले लिया वो ठीक है, तो नहीं ले पाया 95 पे ले लिया मैंने, अभी स्टॉप लॉस किधर लगाऊं? 95 पे ले लिया, 95 पे ले लिया ना, तो आप 94 का ऐसे लगा दो बस ठीक। ये ट्रेडिंग है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, हर चीज डिलीवर प्रॉपर नहीं करी जा सकेगी। एसएल वही होना चाहिए 94। हाँ यस सर। और अब की बार जो नीचे आएगा कोई डिस्काउंट नहीं लेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इस बार मैं मना कर रहा हूँ कि कोई डिस्काउंट नहीं लेगा, ये जगह टूटेगी तो भी नहीं लेना। कितने लोट हैं आपके? सर मैंने 4 लोट लिए। 4 लोट लिए हैं। हाँ चलो ठीक है, 50% निकाल दिया आपने। नहीं पूरा बुक नहीं करना, पूरा बिल्कुल बुक नहीं करना। 50% आपने निकाल दिया है 20-25 पॉइंट पे। हाँ, निकाल दिया। ठीक है हाँ। कोई बात नहीं, अब भूल जाओ आप इस पे को, भूल जाओ। एक सेकंड के लिए मैं एक सनरेज का कॉन्सेप्ट आपने कर ही रखा है। नहीं सर वो आप बोले थे होली के 20 में भेजेंगे, लेकिन क्यों सनरेज वाला? आपको आप पहले वाले सेशन में थे गम अपले में, ऐसा थोड़ी आप पहले वाले में नहीं थे। आप पहले वाले में था सर, तो पहले वाले में सनरेज नहीं दी थी मैंने। और आपको सनरेज, आप तो उसमें भी हो टू वाले ग्रुप में, सनरेज का अलग से वीडियो मिला हुआ आपको? नहीं उसमें नहीं हूँ सर, सनरेज का वीडियो नहीं मिला मुझे। अच्छा वीडियो नहीं मिला, चलो देखो मैं, ये मेरी लास्ट ट्रेड है, मैं इसके बाद ट्रेड नहीं कराऊंगा, मुझे फिर प्रेडिक्शन का तैयारी करनी है। जिसने भी प्रॉफिट, अगर देखो जब सबकी ट्रेड खत्म हो जाए आप मेरे को अपडेट कर देना, तो मैं उसके बाद में प्रो टिप दूंगा फिर आगे। किस किस के पास ट्रेड है पहले ये बता दो। मेरे पास है सर, अब तो मेरा हो गया आज का, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। आराम से बैठे हो आप तो बैठे हो। देखो फर्क पता है क्या है, साबिर सारे गामा प्ले में थे, आज उन्होंने वो मेरे हिसाब किताब को समझ गए हैं, तो वो मेरे को कैच कर लेते हैं, तो हर बार वो प्रॉफिटेबल भी रहे हैं और हर बार आज वो शांत होकर बैठ गए। जेकब सर का दूसरी बार है, 4000 का प्रॉफिट चल रहा है। देखो ऐसा है, आपका जब पेट भरे तो निकाल देना, और भूख और लग रही है तो अभी रखो। देखो मैं अभी इस ट्रेड को नहीं देख रहा हूँ, एक काम करो फिर आपको निकालनी है ना, ये वाला एरिया टूटने दो, ये वाला एरिया मिनिमम टूटने दो, इसके बाद में आपको एक स्पीड देखने को मिल सकती है। अगर वो स्पीड देखने को नहीं मिलती है तो आप निकल जाना, ठीक है? ये लास्ट है, ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है सर।